ये रिश्ता क्या कहलाता है में बेहद मजेदार ड्रामा दिखाया जाने वाला है। बोलिए तो हम आपको बता ही चुके हैं कि शो में करीब 2 साल का लीप आएगा और फिर इसी लीप के बाद कार्तिक नायर की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अब कहानी अलग अलग आगे बढ़ेगी, एक तरफ होंगे क्विंकास तो दूसरी तरफ सिंघानियाज होंगे। लेकिन अब लेटेस्ट खबरों की माने तो शो का मेजर ट्विस्ट ये नहीं बल्कि ये है कि नायरा अपनी याददाश्त खो देंगी तो वहीं कार्तिक भी दूसरी शादी रचा लेगा। जी हाँ, कहा जा रहा है कि शुभम की मौत के महाड्रामे के बाद कार्तिक से अलग होने के बाद नायरा का मेजर एक्सीडेंट होगा और इसी एक्सीडेंट में नायरा की मेमोरी लॉस हो जाएगी, यानी कार्तिक के साथ बिताया हर पल हर लम्हा नायरा भूल जाएंगी। उधर कार्तिक की अगर बात करें तो ऐसी खबर है कि नायरा से अलग होने के बाद दादी कार्तिक की दूसरी शादी करवा देंगी और फिर कार्तिक एक अच्छे बेटे की तरह अपने परिवार के लिए सब कुछ करेगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसकी चली है। कार्तिक कितनी भी कोशिश करे नायरा को भुलाने की लेकिन ऐसा नहीं होगा और फिर कहानी में आएगा वो ट्विस्ट जिसका ऑडियंस को इंतजार रहेगा, जब नायरा और कार्तिक का आमना सामना होगा। जी हाँ, कार्तिक को तो सब कुछ याद होगा लेकिन देखना होगा कि कार्तिक को अपने सामने देखकर नायरा का क्या रिएक्शन होगा। क्या वो भी कार्तिक को अपने सामने देखकर नायरा को सब कुछ याद आने लगेगा या फिर नायरा पूरी तरह से मूव ऑन हो जाएंगी। वेल, कैसे किस्मत नायरा को अब गोयनका हाउस वापस लेकर आएगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। वैसे इतना सब कुछ जानने के बाद शो के कमिंग स्टोरी लाइन को देखने के लिए हम तो काफी एक्साइटेड हो गए हैं। आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है।